हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी सहजन का फूल से चीला, जिसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। चीला बनाने के लिए सबसे पहले मुनगा का फूल तोड़कर अलग निकाल लेंगे। हमारे यहाँ इसे मुनगा भी बोला जाता है, इस तरह से। और ये मुनगा सहजन हर जगह लगभग होता ही है, छोटा छोटा फल भी निकल गया है, तो इसे भी तोड़कर इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये जो कली है छोटा छोटा, इसे भी तोड़ लेंगे। इसे डंठल से अलग कर लेना है। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, और सहजन हमारे हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है ये हम सभी जानते हैं। तो इस तरह से चीला बनाकर बच्चों को, बड़ों को खिलाइए, सभी को घर में बहुत पसंद आएगा और बहुत आसानी से बन जाता है। बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है तो झटपट बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से सारा फूल तोड़ लेंगे। सारा फूल तोड़ लिए हैं और इसे एक स्टेनर में रख लिए हैं। अब इस तरीके से इसे छान लेंगे, या फिर इसे इस तरीके से फटक भी सकते हैं। इसे चींटी वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह हो तो यह आसानी से निकल जाएगा और फूल अच्छे से साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से फूल साफ कर लेंगे। फूल हमें बॉयल करना है, तो पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे और पानी में उबाल आ गया है। पानी में डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक और अब इसमें डाल देंगे मुनगा का फूल। बहुत देर तक इसे बॉयल नहीं करना है, बस हल्का सा बॉयल करना है। अब इसे एक बार चला देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। बहुत देर तक इसे बॉयल नहीं करना है और इसे ढक देंगे और ढक के 5 मिनट इसी तरीके से छोड़ देंगे। और तब तक हम दाल और चावल का बैटर तैयार कर लेंगे। ये है 1/2 कटोरी अरवा चावल, कच्चा चावल। 2-3 घंटे पहले इसे भिगोकर छोड़ दिए थे, अच्छे से फूल गया है। और साथ में ही दाल भी भिगा दिए थे तो दाल भी अच्छे से फूल गया। ये चना दाल है, तो चना दाल 2-3 बड़ा चम्मच लिए हैं, थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अब इसका हमें बैटर तैयार कर लेना है। दाल चावल अलग अलग भिगाए हैं, आपको दिखाना था दोस्तों, इसलिए आप दाल और चावल को एक साथ मिक्स करके भी भिगा सकते हैं। ग्राइंडिंग जार में दाल और चावल डालेंगे, जितना इसमें आ जा रहा है उतना ही डालेंगे। अगर आपके पास बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार है तो उसमें डालकर एक साथ आप पीस सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 12-15 कली लहसुन और 4-5 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं, और लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है चीला में, तो लहसुन थोड़ा सा ज्यादा डाल के बनाइएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बैटर हमें गाढ़ा बनाना है। बचा हुआ चावल भी पीस लिए हैं और इसे एक साथ मिक्स कर लेंगे। चीला के लिए चिकना बैटर पीस कर तैयार है। और फूल भी रखे, 5-6 मिनट हो गया है। अब इसे छन्ना में छान लेंगे। छन्ना में फूल छान लिए हैं और ये पानी बच गया है दोस्तों, इसे फेंकेंगे नहीं, ये बहुत हेल्दी होता है। आप इसे आटा गूंथने में यूज कर लीजिए या दाल में यूज कर लीजिए। बीपी हाई में ये बहुत फायदा करता है, तो जिन्हें बीपी हाई है अगर, तो उन्हें आप पिला सकते हैं इसे। अब चम्मच की हेल्प से या हाथ से ही इस तरीके से इसका सारा पानी निचोड़ देंगे। फूल से सारा पानी निकल गया है और फूल ठंडा भी हो गया है। अब इस बैटर में इसे मिक्स कर लेंगे। अब कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, 2-3 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2-3 पिंच काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप दाल और चावल का बैटर के जगह पे चावल का आटा और बेसन भी ले सकते हैं, उससे भी चीला अच्छा बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, और टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। तो इस तरीके से आप घर में बनाइए और बच्चे बड़े सभी को खिलाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चीला का बैटर तैयार है, अब चलिए चीला बना लेते हैं। फ्राई पैन या तवा गरम कर लेंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे। पैन गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों तेल। सरसों तेल में चीला बहुत टेस्टी बनता है। तेल अच्छे से पूरे पैन में फैला देंगे। अब एक बड़ा चम्मच से चीला का बैटर उठाएंगे
और इसे इसमें डाल देंगे। और बैटर बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं, लेकिन बैटर ऐसा रखना है कि इसे आराम से फैला सके। इस तरीके से आप इसे हाथ से भी फैला सकते हैं, लेकिन चम्मच से भी अच्छे से फैल जाता है। थोड़ा सा पतला कर लेंगे इसे। अब फ्लेम हल्का सा कम कर लेंगे और इसे ढक देंगे। अब चीला चेक कर लेंगे और ऊपर ऊपर से चीला ड्राई हो गया है। अब इसे पलट लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा तेल का जरूरत नहीं है, कम तेल में ही चीला अच्छे से सिक जाता है। दोनों साइड से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से दबाएंगे तो अच्छे से जल्दी सिक जाएगा। बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा। घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोनों साइड से चीला सिक गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और बचा हुआ चीला भी इसी तरीके से सेक लेंगे। चीला बनके तैयार है दोस्तों। अब आप इसे गर्मा गर्म हरा धनिया की चटनी के साथ सर्व कीजिए।